हेलो एवरीवन, देखिए बीकॉम में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या सब्जेक्ट, काफ़ी बच्चों के कंफ्यूजन है कि क्या क्या मैम पढ़नी है, 11th 12th का पढ़ना है। अगर आपको BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है जिससे हमारे एडमिशन्स क्या हों, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएँ। तो देखिए, कुछ बच्चों के डाउट होंगे कि DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके लिए मैं अलग से ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन चाहते हो BCom में, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। अब ये जो आपका एक CUET है, जो आपके एग्ज़ाम डेट आ गए हैं, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब BCom के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, लास्ट 25 डेज़ की स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, उसी के बेस पे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको देखिए कॉमर्स जो आपका जनरल पेपर है, अगर आप सिर्फ BHU टारगेट करते हो कि मुझे BHU में एडमिशन लेना है, तो सिर्फ आपको क्लास 12th की चीज़ें पढ़नी है, और क्लास 12th में आपको सिर्फ 2 पेपर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर आप DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन टारगेट करते हो, तो वहाँ आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इन 3 पेपर को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्टैट्स को भी लिया गया है, लेकिन हम टारगेट करते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस, अब NTA क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला, एस्पिरेशन या रीज़न। अगर कह देता है, जैसे एस्पिरेशन रीज़न में क्वेश्चन दे दिया कि हम कहें कि मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, और रीज़न दिया कि इसलिए इसलिए, तो हमें क्या बताना है वहाँ पर, रीज़न हमें बताना है कि क्या वो जो रीज़न दिया है, जो एस्पिरेशन दिया है, वो सही है कि नहीं। इस पहला चीज़, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम कहें, जैसे अगर हम कहें कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, बस मैंने कहा अगर गुडविल इनटेंजिबल है, और दूसरा यहाँ पर मैनेजमेंट एक डायनामिक, तो इन दोनों में से हम क्या है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा है मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम मीन्स कौन सा किस में मैच करेंगे, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस टाइप, मीन्स प्रोसेस टाइप का मतलब बहुत, जैसे आपके मैनेजमेंट के जितने भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जितने भी प्रोसेस हैं, उसको क्या कर दिया, अरेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिनेशन, मतलब डिफिनेशन, जैसे बहुत सारे डिफिनेशन दिए रहते हैं, किस ऑथर ने किसने कहा, कौन सी बुक किसने लिखी, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। पहले तो हमें क्या, हम एस्पिरेशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सारी चीज़ों इस वीडियो पे, इस चैनल पे अपलोड करूँगी। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एसेट्स क्या होती है अकाउंटेंसी में, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके 25 डेज़ में सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊँगी बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आई होप यू सारी चीज़ें, आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पिन करें, किन चीज़ों में आपको दिक्कत है, तो सारी कमेंट, सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ओके, थैंक यू।